चिल्ड्रेन वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल रीड नेक्स्ट टॉपिक यूजिंग मैग्नीफायर टूल। तो लेट्स वी स्टार्ट। वी यूज़ द मैग्नीफायर टूल। हम मैग्नीफायर टूल को यूज़ करते हैं, ये इसका आइकन बना रखा है, टू जूम इन, ताकि हम क्या कर सकें, जूम इन ऑन अ पार्ट ऑफ आवर पिक्चर, हम अपनी पिक्चर के ऊपर किसी भी पार्ट को जूम करके देख सकें। तो कैसे इसको यूज़ करेंगे, इसके स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर वन, ऑन द होम टैब इन द टूल्स ग्रुप क्लिक द मैग्नीफायर टूल्स। आपने होम टैब पर जा, होम टैब के अंदर टूल्स ग्रुप में आपने मैग्नीफायर टूल पे क्लिक करना है। मूव द मैग्नीफायर, मैग्नीफायर को मूव करना है, एंड देन क्लिक टू जूम इन ऑन द पार्ट ऑफ द इमेज शोन इन द स्क्वायर। फिर आपने क्या करना है, जूम इन करना है अपनी इमेज के अंदर जिसको आपने स्क्वायर के रूप में सेलेक्ट कर रखा है। ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है आपके पास, ऐसे, ठीक है, सीधी लाइन, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और जो ऊपर से नीचे आती है इसे हम बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार को आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है बॉटम पर और राइट साइड पर, टू मूव अराउंड द पिक्चर, ताकि आप पिक्चर के चारों तरफ घूम सको। स्टेप नंबर टू, टू रिड्यूस द जूम लेवल। जूम लेवल को कम या ज़्यादा करने के लिए राइट क्लिक द मैग्नीफायर अगेन, मैग्नीफायर पर फिर से राइट क्लिक कर दो तो वो कम या ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास सेविंग वर्क। किस तरीके से आप अपने वर्क को सेव करोगे, टू सेव योर वर्क इन एम एस पेंट फॉलो दी स्टेप। स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर वन, क्लिक ऑन दी फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है एंड चूज सेव और सेव एज ऑप्शन। उसके बाद सेव या सेव एज ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अ न्यू विंडो विल अपीयर। इस तरह से आपके पास एक विंडो आ जाएगी, जैसे यहाँ डायग्राम बना रखा है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड सेव एज डायलॉग बॉक्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेव एज डायलॉग बॉक्स कहते हैं। स्टेप नंबर टू, टाइप द नेम ऑफ द फाइल इन द फाइल नेम बॉक्स एट द बॉटम। आपने क्या करना है, फाइल का नाम लिखना है यहाँ पर, ये फाइल नेम और ये इसका बॉक्स, यहाँ पर आपने अपनी फाइल का नेम लिखना है। स्टेप नंबर थ्री, सेलेक्ट द प्लेस टू सेव द फाइल बाय क्लिकिंग ऑन द एरो इन द सेव इन बॉक्स। आपने क्या करना है, अपने सेव, अपनी जगह को सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप फाइल को सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर नीचे जो एरो की तरह से दिया हुआ है। क्लिक ऑन द सेव बटन टू सेव योर वर्क। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर देना, आपका जो वर्क है वो सेव हो जाएगा। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑन द नेक्स्ट पेज इज क्लोजिंग द पेंट। किस तरह से आप पेंट को क्लोज करोगे, When we have finished our work in paint, जब आपका work paint में finish हो जाए, we must close the paint program. आपको क्या करना चाहिए, paint के program को close कर देना चाहिए। The steps to close paint programs are as follows. Steps इसके बता रखे हैं कि किस तरीके से आप इसे close करेंगे। Step number वन, click on file menu. यहाँ पर आपके पास ये file menu given है, जैसे diagram, file menu पे click करना है and click on the exit option. सबसे नीचे आपको मिल जाएगा exit ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ आपके पास दिखा रखा है एग्जिट ऑप्शन, इस एग्जिट ऑप्शन पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है और आपका जो पेंट प्रोग्राम है वो आपका क्लोज हो जाएगा। तो ये आज आपका चैप्टर भी ओवर हो गया।